फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो कंटिन्यूएशन में है मेरे पिछले वीडियो के, जिसमें मैंने शेयर किया था कि मुझे विवाह मूवी कैसी मिली। तो आप सबने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं शेयर करूं विवाह मूवी का पूरा एक्सपीरियंस। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग करना एंड कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स विद शाहिद कपूर, अमृता राव एंड अबव ऑल सूरज जी। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस एंड लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। विवाह मूवी जो है वो मेरे लिए एक गेम चेंजर रहा। मतलब वहां से वो एक ऐसी मूवी थी जहां से मेरे करियर को एकदम जो है वो अपलिफ्ट मिल गई एंड आई स्टिल टिल डेट गिव ग्रैटिट्यूड टू देम फॉर दिस मूवी एंड ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दिस मूवी। अच्छा, तो अगर आपने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर अटैच कर देती हूँ, आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उसमें सिलेक्ट कैसे हुई, और फिर आगे का वीडियो देखिए। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सूरज जी से, जो कि हमारे डायरेक्टर थे मूवी के। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा, ना ही सिर्फ एक्टिंग के बारे में और कैरेक्टर कैसे प्ले करना है उसके बारे में, लेकिन उसके अलावा लाइफ लेसन्स जो एक्चुअली होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मिले। और वो लाइफ लेसन्स जो है मैं आज तक फॉलो करती हूँ, उनमें बिलीव करती हूँ। मतलब एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो वो एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं, उनकी तरह मैं जो है बनना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी, अब आप लोग सोच सकते हैं वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज डायरेक्ट की हैं जो कि मतलब बहुत ब्लॉकबस्टर हिट्स रही हैं एकदम, और उसके बाद भी वो इतने ग्राउंडेड हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। मतलब मैं अगर एक एक बात उनके बारे में बताऊं, जो कि कुछ बातें मैं शेयर करूंगी, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। तो जब सबसे पहली बार मैं उनसे मिली तो वो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कोई नई आर्टिस्ट हूँ और बाकी सब लोग स्टार्स हैं। हम लोग फ्रेंड्स शूटिंग कर रहे थे तो मैं कुछ कुछ जैसे जैसे इंसिडेंट्स याद आते हैं आपसे साथ शेयर करती जाती हूँ। तो बहुत धूप थी और जो है वो सीक्वेंस था आउटडोर का, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो क्या था, मैं उस टाइम पे नई थी तो मैंने अपना जैसे पर्सनल बॉय होते हैं, सब लोग ना अपने पर्सनल बॉय रखते हैं जो कि आपके लिए अम्ब्रेला होल्ड करता है, पानी पिलाता है, आपका ध्यान रखता है बेसिकली। तो मैंने अपना पर्सनल बॉय वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ था, और उन्होंने ऐसा देखा कि सबके जो है बॉय ने उनके अम्ब्रेलास पकड़े हैं और मैं धूप में खड़ी हूँ और शॉर्ट चल रहा है। तो उन्होंने उनका जो बॉय था जो उनके साथ रहते थे उनसे जो है बोला कि आप जाओ के पास अम्ब्रेला लेके और आप इनके साथ ही रहो, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमेशा जो है वो उसे मेरे पास भेज देते थे ताकि मैं धूप में खड़ी नहीं रहूं और अम्ब्रेला अपना पर्सनल जो उनके ऊपर जो लेकर वो अम्ब्रेला खड़ा होता था वो भिजवा देते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत सीख लेने वाली हैं उनके लिए जो है। मैंने देखा है लाइफ में जो है ना, ये चीज भी बहुत बड़ी मैंने सीखी कि हर इंसान जो है वो बराबर है, हर एक से उतनी ही स्वीटली बात करते हैं, चाहे वो कोई स्पॉट बॉय हो, चाहे वो कोई उनके मतलब बिल्कुल एक छोटा कोई भी काम करने वाला हो या बड़ा हो, वो पोस्ट कभी नहीं देखते। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने जो है ना लाइफ की बहुत बड़ा लेसन लिया है कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, लेकिन असलियत आपकी तभी पता चलेगी कि आप अपने से नीचे वालों को कैसे ट्रीट करते हो। अगर क्योंकि अपने बराबर वालों को और अपने से ऊपर वालों को तो सब अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आप अपने से नीचे वालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो तो आपकी असलियत जो है पहचानी जाएगी। और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। और एक बात और बहुत बड़ी थी कि वो जब सीन समझाना होता था तो सुबह सुबह आकर हम लोग सब अपनी वैनिटी वैन्स में या मेकअप रूम से बैठे होते थे, तो एक एक की वैनिटी वैन में जाते थे सीन समझाने के लिए, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, आपने देखा होगा हमारे साथ था भी मूवी में, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि अरे ये तो बच्चा है, इसको तो मैं बाद में समझा दूंगा, या सेट पे आएगा तो समझा दूंगा, या लता तो नहीं है, इसको क्या जरूरत है, बाद में समझा दूंगा, सेट पे समझा सकते हो, नहीं। वो ये एफर्ट करते थे सुबह सुबह जो वो एक एक की वैनिटी में जाते थे, एक एक के मेकअप रूम में जाते थे और उतने ही जो है कॉन्सेंट्रेशन से उसे वो कैरेक्टर जो है उस दिन उसे क्या करना है, किस तरह से डायलॉग डिलीवर करने है, हर चीज समझाते थे। फ्रेंड्स, तो इसी तरह जो है वो मूवी की शूटिंग चलती रही और जो है वो हमारे दिन जो है उनके साथ बीतते गए, तो कई नई नई चीजें जो है जानने को मिली। आप लोगों ने मूवी देखी हो तो एक सीन था उसमें झरने वाला, जहां पर जो है वो पानी में थोड़ा भीगना था और उसमें जो है हम लोग पानी में खेलने के लिए सब लोग जाते हैं, ऐसा था। मिलन अभी आधा अधूरा है, इस सॉन्ग का
वो जो सीन था, तो आप बिलीव कीजिए उन्होंने वो सीन जो है ऐसा मतलब अपने उन्होंने अपने तरफ से जो है एक इमेजिन किया होगा कि ये सीन इस तरह से होगा। और उसके पहले वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कुछ दिन पहले शूटिंग के, फ़ोन किया कि लता क्या आप ये सीन करने में कंफर्टेबल हो, अगर नहीं हो तो हम लोग जो है उसे चेंज कर देंगे, हटा देंगे। चूंकि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मैं एक ऑर्डिनरी सी आर्टिस्ट थी, कुछ भी ऐसा मेरा नाम नहीं था, कुछ ऐसी मेजर पहचान नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है, ये उनका बड़प्पन है कि वो इस तरह से जो है हमसे बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि हम वो सीन चेंज कर देंगे, हटा देंगे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कि एज सच वो बहुत ही खूबसूरत सीन है और फैमिली सीन है, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब हम लोग आउटडोर पर गए तो वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोग सब जो है फैमिलीज के साथ जाएँ, ताकि घर वाले जो है हम पीछे से वहाँ पर अकेला ना महसूस करें, क्योंकि कई बार जो है वो आउटडोर्स 15 दिन के होते हैं, महीने भर के होते हैं, तो अकेला ना महसूस करें। तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ में गई थी आउटडोर में शूटिंग में, पूरा टाइम वो मेरे साथ ही थी। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो मेरी मम्मी के सुबह जो है पैर छूते थे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। सिर्फ मेरी मम्मी के ही नहीं, अगर किसी की भी मम्मी सेट पे मिलने आ जाए या किसी की भी मदर ऐसे हों, तो वो खुद जाकर उनके पैर छूते थे। मतलब दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। तो एक्चुअली जो वो मूवीज में दिखाते हैं वो ही वो एक्चुअली है भी। एंड बस फिलहाल तो फ्रेंड्स ये कुछ बहुत मेन बातें मुझे याद आई थी आज, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, आगे जैसे याद आएंगी तो शेयर करूंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अमृता की एंड उसके बाद शाहिद की। अमृता से बहुत टाइम से, बहुत सालों से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ साल पहले एक बार मैंने उसे फ़ोन किया था, मतलब विवाह के काफ़ी गैप के बाद, और मुझे याद है कि उसने मैसेज किया था शायद, तो उसने उतने ही प्यार से मुझे जवाब दिया था जैसे वो इतने साल पहले थी। सो शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट एंड सिंपल गर्ल, और मुझे मालूम है कि आज भी अगर मैं उसे फ़ोन करूँगी तो वो बहुत अच्छे से बात करेगी। वेरी वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, आई वुड लाइक टू से दैट। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेन लीड थी, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं हो पाती थी, बस खाने के टेबल पे होती थी रात में। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद है कि वो तो खैर मेन लीड थी, हीरोइन थी मूवी की, मेन लीड बोल रही हूँ, सीरियल्स करने की आदत है ना इसलिए, मतलब हीरोइन थी मूवी की। तो क्या होता था कि हम लोग सब जो आर्टिस्ट थे, तो हम लोग क्या करते थे रात में खाने के बाद, हम नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे, तो बहुत खूबसूरत मौसम था और डेफिनेटली खाना भी थोड़ा ज़्यादा खाया जाता था, कई बार स्वीट भी एक्स्ट्रा हो जाती थी। तो क्या होता था, हम सब वॉक के लिए जाते थे, तो अचानक उसने पूछा कि अरे आप लोग कहाँ जाते हो सब, तो हमने बोला हम लोग ऐसे वॉक के लिए जाते हैं रात को, क्योंकि खाना वाना खा लेते हैं थोड़ा हैवी हो जाता है इसलिए, और थोड़ा फिट भी रखना है खुद को। तो वो भी हमारे साथ दूसरे दिन से आने लगी, एंड इट शी वॉज वेरी सिंपल एंड इतने आराम से, इतनी सरलता से जो है वो सबके साथ बात करती थी और घुल मिल जाती थी, कि मालूम ही नहीं चलता था कि वो कोई स्टार है या जो है वो हीरोइन है मूवी की। तो उसके बाद से जो है रोज़ हम लोगों का सबका ये बन गया था कि हम लोग वॉक करके जाते थे और वॉक करके आते थे, ठंड का मौसम था तो खाना खाने के बाद एक बहुत अच्छा सा सबका रूटीन बन गया था। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, और मेरी बाकी की प्लेलिस्ट भी देखिए। शाहिद कपूर, उसके साथ भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगेन उसमें भी बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी कि वो हीरो है या बहुत बड़ा स्टार है, कभी भी ऐसी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग जहाँ पे भी होटल में ठहरते थे तो सब लोग जो है पैकअप के बाद नीचे खाना खाने आते थे रेस्टोरेंट में, तो जब रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो खाना अपने रूम में मंगवा ले या फिर जो है वो अलग अपना बैठ के कहीं खाए, क्योंकि वो स्टार है, अपने थक भी जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हम सबके साथ, मतलब हम सबकी फैमिलीज गई हुई थी, हमारी सबकी फैमिलीज के साथ, हम सबके साथ रेस्टोरेंट में साथ में बैठ के हमेशा खाना खाया करता था, और कभी भी जो है ऐसा उसने शो नहीं किया। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं जो हम किसी से भी सीख सकते हैं और सीखने वाली भी हैं, सीखनी चाहिए भी, कि हमें किस तरह से जो है, वो एक कहावत है ना कि पेड़ पे जितने भी जितना वो फल से लगता है उतना नीचे की तरफ झुकता जाता है, बहुत ट्रू है ये सेइंग, और इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो शाहिद जो है वो आराम से हम सबके साथ बैठ के खाना खाते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दिन भी इतने बड़े स्केड्यूल में उन्होंने ये नहीं फील होने दिया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं या वो अलग से रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। हमारी मम्मीज के साथ भी वैसे बात करते थे, सबके साथ एकदम घुल मिल जाते थे। एक
छोटा सा इंसिडेंट अभी मुझे याद है क्या हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो शादी का सीक्वेंस चल रहा था और आरती करती हूँ मैं उसकी, तो इन शाहिद की, तो जब मैं आरती का सीन था तो मैं आरती कर रही थी और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समथिंग मेरा पल्लू या कुछ हेयर ड्रेसर को कुछ ठीक करने आना था, तो हेयर ड्रेसर एक दो बार आई ठीक करने के लिए और मेरे हाथ में वो थाली थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे पलट के जो है अपना ठीक करवा रही थी, तो मेरी थाली जो थी देखा तो किसी ने होल्ड कर ली, तो मैंने देखा तो शाहिद ने बोला इट्स ओके गिव इट टू मी ताकि मैं आराम से जो है अपना पल्लू या अपना जो भी है ठीक करवा लूं। तो उन्होंने जो है हाथ से मेरी थाली लेके आरती की पकड़ ली। कहने के लिए ये एक छोटी सी बात है, ऐसा नहीं कि थाली में बहुत ज्यादा वजन था, लेकिन ये है कि आप दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, दूसरे के बारे में कितना सेंसिटिव है। तो फ्रेंड्स ये चीज भी बहुत सीखने वाली है हमें जो है अपने से आगे, हमारे जो साथ में चाहे को आर्टिस्ट हो, चाहे कोई कलीग हो, हम कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जो है फ्रेंड्स हो, हमें दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की सिचुएशन को समझना चाहिए। डेफिनेटली मेरे लिए इजी हो गया कि थाली उन्होंने पकड़ ली, इसलिए जो है मैं अपने बाल और अपने जो कॉस्ट्यूम पल्लू था वो ठीक करवा पाई, आराम से ठीक करवा पाई। तो ये कुछ चीजें जो होती है ना वो इंसान को हमेशा याद रह जाती हैं। अगर ये इंसिडेंट्स, ये इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स नहीं हुए होते तो शायद आज मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इतना कह देती थी कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था शूटिंग में, बहुत मजा आया था, इतने साल हो गए मुझे याद नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं और वो क्या रह जाता है, वो है दूसरों की अच्छाई, उनकी जो काइंडनेस होती है, यही जो है जो हार्ट होता है, जो दूसरों का बिहेवियर होता है वो हमें याद रह जाता है। सो दिस वॉज माई इंस्पायरिंग जर्नी एंड एक्सपीरियंसिस। अगेन आई विल रिकॉल द रेस्ट, मुझे याद नहीं है, मैं आगे आने वाले उन्हें आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और मेरी बाकी प्लेलिस्ट जो कि फैशन फूड फिटनेस लाइफ पे है जरूर देखिए। सी यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।